खुश आमदीद। आप देख रहे हैं नया दौर लाइफस्टाइल। मेरा नाम है वकास हबीब राना। मेरे साथ आज एक पूरा पैनल मौजूद है और आज हम बात करने जा रहे हैं मौला जट पर, द लेजेंड ऑफ मौला जट पर। आपको मालूम है कि हम पहले भी इसका रिव्यू एक शो में मैं इसका रिव्यू कर चुका हूँ, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि हमारी सोसाइटी में थोड़ा सा इस तरह का मामला है कि अगर आप कोई नेगेटिव बात करते हैं मूवी के बारे में तो बड़ा बैकलैश आता है, लोग घबरा जाते हैं, लोग कहते हैं आप क्यों इसके बारे में बात कर रहे हैं, आप हमारे सिनेमा को प्रमोट करें। और यू नो ये एक सेंटिमेंट आता है जैसे वो हुबुल वतनी लोगों की ना जाग जाती है। सो मैं अगर मुझे कोई मूवी एवरेज लगी या मेरे ख्याल से वो एक एवरेज मूवी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी को कह रहा हूँ कि आप फिल्म ना देखने जाओ। मैं हर एक को इनकरेज करता हूँ कि वो मूवी देखने जाए और वो अपना जो ओपिनियन है वो फॉर्म करे और वो हमारे साथ शेयर करे अपना ओपिनियन। इसीलिए मैंने आज एक पैनल जो है वो उसको इकट्ठा किया है। मेरे साथ मौजूद हैं फायजा इरफान। आप फायजा को देखते रहते हैं हमारे चैनल पर। फायजा ड्रामाज को रिव्यू करती हैं, मूवीज को रिव्यू करती हैं हमारे चैनल पर। फायजा का ताल्लुक जो है वो थिएटर से है। एंड सो फायजा, वेलकम टू द शो। Assalamualaikum. Thank you so much for having me on the show. Quite excited to have this interesting discussion with you all. Yes, and we have Madiha Masood with us. Madiha जो हैं वो पाकिस्तान में different channels के साथ associated रही हैं। अब वो अमेरिका में हैं, ह्यूस्टन टेक्सास में हैं और वहाँ पर भी वो एक चैनल के साथ मुंसलिक हैं और she's an anchor over there. Madiha, welcome to the show. Thank you so much. And of course we have Ali Warsi with us. Ali Warsi जो हैं वो न्यूज़ एडिटर हैं नया दौर के और अली ने और मैंने कटी मूवी देखी थी। तो ये भी मैं आपको बता दूं कि अगर अली का ओपिनियन मेरे से डिफरेंट है तो हमने फिल्म एक ही जगह पर देखी थी, बट अली का जो भी ओपिनियन होगा वो हम आगे जाके जानते हैं। तो शुरू करते हैं। फायजा, सबसे पहले आई वुड लाइक टू कम टू यू एंड आई वुड लाइक टू नो कि आपने मूवी देखी है, आपका क्या तासुर है, व्हाट्स योर रिव्यू, प्लीज हमारे साथ डिटेल में शेयर करें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने फिल्म वीकेंड पे देखी और मैंने ओरिजिनल मौला जट नहीं देखी हुई थी, तो मेरे लिए इट वाज लाइक अ ब्रांड न्यू एक्सपीरियंस। तो आई वेंट इन द थिएटर विदाउट एनी प्री कंसीव्ड नोशंस और मैंने फिल्म बहुत एंजॉय की है। फ्रॉम द स्टार्ट टू द फिनिश टू द फाइनल कट ऑफ द फिल्म आई एंजॉयड इट थ्रू एंड थ्रू, विद द एक्सेप्शन ऑफ अ फ्यू हिकअप्स, प्राइमरीली द मिसफिट कास्टिंग ऑफ माहिरा खान। Her Punjabi was not good, not delivery बहुत poor थी, and the problem with Mahira Khan is कि she is such a huge star. वो star power आपको theatre में इतनी नजर आ रही है कि I don't see Makhu anywhere. I see Mahira Khan everywhere. Where's the character? This is a here's a girl of medieval times जिसका पूरा nucleus वो है मौला जट, उसके इर्द गिर्द उसकी दुनिया घूम रही है, but she's too big of a star to pull off that role somehow, I think. And Punjabi ने उनको एक अलग handicap कर दिया। और दूसरा जो negative point मुझे पूरी फिल्म में नजर आया था वो था the lack of chemistry between the two stars, Fawad Khan and Mahira Khan. They were coming together after 10 years. The audiences were super excited to see them. I did not see any chemistry. It was very forced. And Fawad Khan, I think, looked visibly awkward in some scenes, I think. She on the other hand was trying her best, but I think के वहाँ पे थोड़ा सा मजा नहीं आया। Otherwise फवाद खान की केमिस्ट्री बाकी सब एक्टर्स के साथ बहुत अच्छी थी। Overall मूवी बहुत इंटरेस्टिंग थी, स्टोरी बहुत सिंपल थी। It's a revenge saga between good and bad, evil between good and evil। तो वो स्टोरी सिंपल थी, ट्रीटमेंट इंटरेस्टिंग थी, कॉम्प्लेक्स थी, बहुत टेक्निकल थी। That really uplifted the film. और मैंने बहुत एंजॉय की क्योंकि कैरेक्टर्स पे काम किया गया। बट अनफॉर्चुनेटली द राइजिंग स्टार ऑफ द फिल्म वाज हैंड्स डाउन नूरी नथ। व्हेन ही केम ऑन द स्क्रीन एंड द वेरी फर्स्ट शॉट ऑफ हमजा अब्बासी केम एंड ही सेड नवा आया सोनिया, एंड आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट लाइन ही सेड। द ऑडियंसेस इन ह्यूस्टन क्लैप्ड, पागल हो गए सबके सब। हम तो मेरी अम्मी मुझे कहती है तुम लोग क्या तमीज से फिल्म नहीं देख सकते। हमने कहा नहीं अम्मी, हम तो तालियां बजाने वाले, हम सीटियों वाला क्राउड है। वी वर सो एक्साइटेड एंड ही वाज सो गुड। द एक्टिंग, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट हमजा अब्बासी टू बी दिस गुड। ही कमांडेड द स्क्रीन फ्रॉम द स्टार्ट टू द फिनिश और ही ओवरशैडोड मौला जट कंप्लीटली। इट शुड हैव बीन नेम्ड द लेजेंड ऑफ नूरी नथ इंस्टेड, आई थिंक। दैट्स माय टेक ऑन द फिल्म। Wow, yeah, you're absolutely right. I think फवाद का और हुमैमा का एक सीन जो है जब वो माफी मांगने जाता है, okay, spoiler alert, वो जो सीन था I absolutely fell in love with that scene. I was like, oh my god, what's happening here? The chemistry and the dialogues, they were, you know, out of the world. So वो बड़ा interesting वो वाला phase था. So we come to Madiha. So Madiha का मैं आपको बताऊं, Madiha ने एक छोटी सी video post की Twitter पर. You need to go to her Twitter account and watch it. It's in Punjabi. First of all, Madiha, well done with your Punjabi, the accent, and I really enjoyed that video. तो मदीहा ने थोड़ा सा क्रिटिसिज्म किया है उस वीडियो पर, एंड आई एम इनकरेजिंग हर टू पोस्ट द होल रिव्यू ऑन यूट्यूब. अभी तक मैं कामयाब नहीं हो सका इसमें. मदीहा ने मुझे अभी बताया कि उन्होंने अभी तक किया नहीं है, बट आई एम इनकरेजिंग हर कि वो करें. सो मदीहा, प्लीज टेल अस कि आपका क्या सेंटिमेंट है मूवी के बारे में. जब आपने देखी तो आपको कैसी मूवी लगी? वकास, मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं बहुत दिलचस्पी से फिल्म देखती हूँ. जो फिल्म मैं देखती हूँ पूरी दिलचस्पी से देखती हूँ, और जैसे उसके कैरेक्टर और मूवी के एनवायरनमेंट में खो के. लोग जैसे 4D अब एंजॉय करें, आई बिलीव कि मैं जब भी फिल्म देखती हूँ तो मैं 4D में ही होती हूँ कि अपने इर्द गिर्द पैसा. दिस वॉज सो अनफॉर्चुनेट कि मेरे पंजाब का, मैं बॉर्न रेज पंजाबी हूँ, और शुरू से हमने यही सुना कि हमारी तो उर्दू भी कभी सीधी नहीं होती, हमारे तो एक्सेंट, हमारी इंग्लिश में भी पंजाबी आ जाती है, हम तो उर्दू में भी पंजाबी बोलते हैं. So I own it. सारी जिंदगी हमने यही देखा है. बट मेरे लिए बड़ा astonishing था, मैं born raised, like हमारा गांव भी है, गांव के कल्चर से मैं बहुत अच्छे से वाकिफ हूँ, और हम भी अपर क्लास गांव के लोगों में से हैं. लाइक जो पंजाब और गांव के कल्चर से वाकिफ है उनको पता है दो क्लासेस ही एग्जिस्ट करती हैं, एक अपर वाली होती है और नीचे उनके मजारे होते हैं. सो मैं जानती हूँ कि कहीं पर भी बाप को बदतमीजी से नहीं बुलाया जाता, और कभी भी घर की लड़की, भले आप कितने आप अपर लेवल पर हो, कभी भी आप कोल्ड शोल्डर पहनकर तो अभी कभी आप जा नहीं सकते. मैंने नहीं देखी इतनी मॉडर्निटी. आई आस्क्ड माय फादर कि अगर गांव इतना मॉडर्न हो गया तो मैं अमेरिका में क्या करी हूँ, प्लीज जरा सेट कीजिए डेरा शेरा, हम वापस आते हैं ना भाई, हम भी वही बनेंगे जो कैरेक्टर पंजाब के दिखाए गए. अगर पीपल आर एक्सेप्टिंग दैट मॉडर्निटी, एंड ऑन द अदर हैंड Punjab is all about beauty. We people are loud, लेकिन हम बदतमीज नहीं है. प्यो कह के we never call our father अब्बा जी जरूर कहते सुना है, कभी ऐसे बदतमीजी से नहीं बुलाया गया. Then you showed the culture. मुझे आप बताइए, मैंने बहुत ईरानी ओल्ड मूवीज देखी हुई है. I can tell आपने पैचेस वहां से उठाए हुए हैं. आपने एक ओल्ड कल्चर को पैच किया. व्यूअर्स की आसानी के लिए थोड़ा सा मैं बताती हूँ, आप ना हज़रत यूसुफ की स्टोरी देख लीजिए यूट्यूब के ऊपर, आपको वो जो गांव का कल्चर दिखेगा ना, लुक सेम उसको आप कर लीजिए कि बिलाल लाशारी साहब ने उसको मॉडिफाई करके, क्योंकि मैंने ऐसा नहीं देखा कि गांव में ऐसी लुक हो. पाकिस्तान के जो गांव का कल्चर है, दैट इज सो मच ब्यूटीफुल. बड़ा सादा सिंपल, बड़ी खूबसूरती है उसके अंदर, उसको थोड़ा मॉडिफाई फैंटेसी वर्ल्ड में ले गए हैं. उसके बाद मुझे बताइए पंजाब में पब कहाँ है? मैं तो पंजाब जाना चाहती हूँ, बिलाल लाशारी के गांव जाना चाहती हूँ, बिलाल लाशारी के गांव. दैट्स अ गुड वन. क्योंकि आई कैन टेल. अब मैं व्यूअर्स की आसानी के लिए लिंक थ्रो करती हूँ. पुस इन द बूट्स देखिए, वो जो पब्स का कल्चर दिखाया गया ना, वो आपकी एनिमेटेड मूवी से निकला है. जो लोग मेरे पे तनकीद कर रहे हैं, हक बजाएं, क्योंकि देखिए ये उनका जर्फ है. आप कॉन्टेंट पे बात कीजिए. मैंने मूवीज देखी हुई है और मैं अपना एक वे बना रही हूँ. सो मुझे किसी की परवाह नहीं है, लोग करते रहे तनकीद, दैट्स ओके. ये तो ब्यूटी है. मैं अपनी चीज तभी निखार पाऊंगी ना जब तनकीद होगी, और अच्छा कलाकार वो होता है जो तनकीद को एब्जॉर्ब करके अपने मजस्मे को मजीद निखार देता है. मैं उस स्कूल ऑफ थॉट से हूँ, मुझे कोई घबराहट नहीं है. और पेड कंटेंट लोग मेरे इनबॉक्स में घुस घुस के मुझे सिखा रहे हैं कल्चर. नो, मैं पंजाबी हूँ, मुझे पता है मेरा कल्चर क्या है. फिर उसके अंदर दिखाया आपने दो ग्रुप्स की लड़ाई दिखानी थी, नूरी नाथ एंड जट. मैं बड़ी अनफॉर्चुनेट हूँ, मैं ये कहूंगी कि मैंने पहली मौला जट देखी हुई है और पूरे दिल से देखी हुई है. आई कॉल इट अ मास्टरपीस. आपने मास्टरपीस को हाथ लगाने की कोशिश की थी बिलाल लाशारी साहब. बहुत हो गया मजाक कि हम अपने कल्चर की रिस्पेक्ट नहीं करते. मैं यूएस में रहती हूँ, मैं जानती हूँ कि यहाँ कल्चर की रिस्पेक्ट किसे कहते हैं. अब वक्त आ गया कि हमें अपने कल्चर को रिस्पेक्ट देनी चाहिए. और ये फिल्म से मुझे बड़ी उम्मीदें थी. मैं इतनी खुश थी कि मेरे पंजाब का कल्चर शायद जागेगा. एक जो सारी जिंदगी एक कॉम्प्लेक्स के बबल में हमें फंसाए रखा कि हम पेंडू हैं, हम पंजाबी हैं, हम लाउड हैं, हमें तमीज नहीं है, और बर्गर्स के इर्द गिर्द हम नहीं फिर सकते अंटिल अनलेस वी हैव द गैजेट्स हम उन्हें कम्पीट करने के लिए, या फिर इंग्लिश बोल लें या चलो कच्ची अंग्रेजी बोल लें. बट हाँ, मुझे लगा था वो बबल आप वो खत्म करेंगे, बट नो, आपने तो फिर एक वॉर शुरू कर दी, बर्गर्स आ गए कि इतनी ही पंजाबी बहुत थी, एंड देन यू आर कंपेयरिंग इट टू द मैवरिक। वकास, मैं आपको एक भेज सकती हूँ, कुछ मैंने स्क्रीनशॉट्स रखे हैं जो लोगों ने मुझे बड़ी इनबॉक्स मुझे तंग कर रहे हैं जो लोग, उसमें लिखा हुआ है कि ये मैवरिक के पैरेलल है फिल्म। मैं जवाब नहीं दे पाई, क्योंकि मुझे लगता है मेरी तो मेमोरी चली गई कि टॉम क्रूज ने तो उसमें F-16 की ट्रेनिंग लेने के बाद हर शॉट पर उसी ने ही उसको फ्लाई किया, और अब मैंने सुना है लेटेस्ट वो स्पेस के लिए तैयारी पकड़ रहे हैं। सो हमने तो फवाद खान को ओनली वेट गेन कराकर, उसके नकली बाल लगाकर, बाल भी नहीं बढ़वाए, नकली बाल लगाकर हमने ये करने की कोशिश की। देन वी कॉल ourselves a perfectionist. I'm sorry, I'm interjecting for a second. मदीहा का जो review है वो इतना hot है, इतना जबरदस्त है कि आपका कैमरा उसकी ताब नहीं ला सक रहा। इंटरनेट जो है वो क्रैश कर गया है। डिजिटल मार्केटिंग के साथ साथ ना ये डिजिटल इन्होंने ये भी किया हुआ कि क्रैशिंग भी लगाई हुई है कहीं कहीं, है ना, इंटरफेरेंस हो रही है। जहाँ डायरेक्टर का नाम है वहाँ वो क्रैश डाउन कर देते हैं। सो ट्रू, व्हेनेवर यू मेंशन बिलाल लश्कारी योर कनेक्शन जो है वो फिर पारिक हो जाता है। कुछ भी हो सकता है, दैट्स ओके। मुझे ओवरऑल ये एफर्ट अच्छा इस तरह से लगा क्योंकि शायद ना आप अपने लोगों के लिए कर रहे हैं, सो That is encouraging. मैं इस पॉइंट से encourage करूंगी क्योंकि हमारे लोग जिनके पास OTT stations नहीं है, जो हॉलीवुड मूवीज नहीं देख पा रहे, जिनके इजी एक्सेस आपने बनाने की कोशिश किया, वो उस पॉइंट से आई विल इनकरेज इट। बट आपने कल्चर को जो डिमोलिश और अपने आप से ही कुछ बनाने की कोशिश की, प्लीज ये एफर्ट दोबारा मत कीजिएगा, और डोंट कॉल योरसेल्फ परफेक्शनिस्ट क्योंकि ये ग्राफिक्स वर्क तो 8 साल में ही हो सकता है और करोड़ों इसी पर ही लगते हैं। सो यू डिडंट वर्क ऑन द स्टोरी लाइन, यू डिडंट वर्क ऑन द डायलॉग डिलीवरी जो कि मेरी नजर में बहुत मैटर करती है। फिर वेट गेन कराने के बजाय पंजाबी थोड़ी बहुत सिखा लेते तो यकीन करे दिल जीत लेते। बाकी अब बेचारे लोगों के लिए बनाया है, अब बेचारे कहाँ $20-$20 हर मंथ दें, बेहतर है कि चलो कोई बात नहीं एक बार फिल्म देख लें। ग्लैडिएटर्स जो है, फिर हॉबिट, मैं आई कैन नेम अ लॉट ऑफ फिल्म्स जिनके पैचेस लगाए गए हैं। सो लोगों ने नहीं देखी हुई तो कोई बात नहीं, उनके लिए ये एक पूरा हॉलीवुड का जो समंदर है वो कूजे में आके पेश किया गया, दैट्स फाइन, मजा है लोगों के। राइट, सो अली आई कम टू यू विद दिस बिकॉज ये जो इम्प्रेशंस की बात हो रही है, जो कुछ चीज़ों को पैच इन किया गया है, तो आपने जब ये फिल्म देखी, ऑब्वियसली हमने इकट्ठे देखी, तो क्या वाज योर इम्प्रेशन? इसमें कुछ हाइलाइट्स जो हैं वो प्लीज हमारे साथ शेयर करें, अपने एक्सपीरियंस के बारे में जरा बताएं हमें। जी, तो वकास मेरा थोड़ा सा जो है ना वो देखिए, मैं भी बहुत ना गौर से फिल्म देखता हूँ और मेरा भी ये प्रॉब्लम है कि मुझे जो है ना वो प्रॉब्लम्स ज्यादा नजर आती हैं, बट इन दिस केस मैं थोड़ी सी ना एक्सेप्शंस मेक करने के लिए तैयार हूँ फॉर अ नंबर ऑफ रीजंस व्हिच आई विल हाईलाइट लेटर। बट जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि जिस वक्त पाकिस्तान के अंदर ये एक मूवी बनी है और इसमें ऑब्वियसली लोगों को पसंद आ रही है, नॉट एवरीवन हैज वॉच्ड द ओरिजिनल मौला जट, एज मदीहा जस्ट मेंशन कि इट इज अ मास्टरपीस, दैट्स व्हाई, मतलब इट्स अ क्लासिक। इसमें को वो सरवर भट्टी साहब का मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था ये लेजेंड ऑफ मौला जट के रिलीज होने से पहले की बात है, एंड ही सेड कि जो मैंने कर दिया वो कौन कर सकता है, ऑब्वियसली कोई नहीं कर सकता, दिस इज व्हाई दे आर फॉलोइंग यू। ये मौला जट जो है वो एक क्लासिक थी, दैट्स व्हाई पीपल आर यू नो ट्राइंग टू रिक्रिएट दैट थिंग। बट एट द सेम टाइम जरा आप अपनी इंडस्ट्री की सिचुएशन देखें, एट दैट टाइम आपको मुस्तफ़ा कुरैशी एक ऐसा शख्स है जो कि उससे पहले भी मतलब बहुत अरसे से हैदराबाद से वो थे ओरिजिनली, ही वाज सिंधी बट ही हैड मूव टू पंजाब। वो काफ़ी अरसे से लाहौर में रह रहे थे, लाहौर में 20-22 के करीब वो फिल्में कर चुके थे, 18-20 के करीब पंजाबी फिल्म भी उससे पहले वो एक कर चुके थे। और उस वक्त जिस वक्त उन्होंने ये मूवी की तो उस वक्त वो नूरी नत के कैरेक्टर को उन्होंने उनकी, क्योंकि रेडियो की ट्रेनिंग थी, थिएटर की ट्रेनिंग थी, तो उन्होंने जिस तरह से उसको उन्होंने सोचा कि मैं पंजाबी में इतना फ्लुएंट नहीं हो सकता, सो व्हाट आई डू इज कि मैं थोड़ा सा स्लो करके बोलूंगा, और फिर वो नवा आए सोने वो बना। बट जो हमजा के लिए बड़ा ईजी था कि वो टेम्पलेट जो है वो एज इट इज उसको यूज कर सकता है, क्योंकि और जो एक छोटी सी हमजा, आई वाज इन ऑ, हमजा ने जिस तरीके से उसको परफॉर्म किया इसमें कोई शक नहीं है, ब्रिलियंटली डन। हाउएवर हमजा के पास एक ऐसी चीज़, उसके ऊपर थोड़ा सा जो क्रिटिसिज्म हो रहा है, या क्रिटिसिज्म नहीं मैं कहूँगा, उसके ऊपर एक कॉमेंट है कि वो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे मुस्तफ़ा कुरैशी को दोबारा से रिक्रिएट करेंगे। तो एवरीवन एल्स हैज ट्राइड टू मेक द कैरेक्टर देयर ओन। जो दारो का कैरेक्टर है उसमें हम कॉस्ट्यूम के ऊपर जैसे मदीहा ने बात की, मुझे लगता है कि वो बिल्कुल ऐसा ही है कि कॉस्ट्यूम जो है वो थोड़ा सा, बट देन अगेन लेट्स नॉट फॉरगेट दैट दिस इज अ मूवी। अगर आप ओरिजिनल वाली मौला जट देखेंगे या पिछले दसियों साल से जो पाकिस्तान के अंदर पंजाबी फिल्में बन रही हैं या इंडिया के अंदर जो ड्रेस कतरीना कैफ या ऐश्वर्या राय पहनकर घूम रही है वो फिल्म के अंदर वो पहनकर नहीं घूम, आम हालात में आम लोग वैसे कपड़े नहीं पहनते जैसे वो फिल्म के अंदर पहनते। थोड़ा सा ग्लैमराइज करना, ये हीरोइन है इसको दूसरों से मुख्तलिफ नजर आना चाहिए, ये थोड़ा सा जैसे उर्दू में रियायत शेरी या इंग्लिश में पोएटिक लाइसेंस कहते हैं वो थोड़ा सा आपको देना पड़ता है। जहाँ तक डायलॉग डिलीवरी की बात है, आई टोटली अग्री, माहिरा कम्प्लीटली मतलब बहुत बेहतर होता कि वो ना होती फिल्म में। लेकिन अब आप मुझे एक बात बताइए, लेट्स से दैट यू आर द डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ऑफ द मूवी और आप एक मूवी के ऊपर 50-60-100 करोड़ रुपया लगा रहे हैं, उसके साउंड इफेक्ट्स और विजुअल इफेक्ट्स जो है वो आप बाहर से अमेरिका से करवा रहे हैं या किसी यूरोपियन कंट्री से करवा रहे हैं, उसके ऊपर जो टेक्निकलिटीज़ हैं, टेक्निकल जो साइड है उसकी, टेक्नोलॉजी की जो साइड है वो सारी की सारी आपको साउंड रिकॉर्डिंग बाहर से करवानी पड़ रही है और आप इतनी बड़ी तादाद में इतनी बड़ी रकम जो है वो आप उस एक प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो आप झोंकने जा रहे हैं। आप माहिरा को ज़रा रिप्लेस करें और मुझे बताइए कि किसको आप लेकर आएंगे, उर्वा हुसैन को, मावरा हुसैन को, पंजाबी कौन सी कैरेक्टर, महविश हयात को, वो ही प्रॉब्लम होगा अगेन कि वो उनको भी पंजाबी नहीं आ रही होगी। सो आज से मैं ये कहता हूँ कि माहिरा को सिखा लेते, मतलब जाती वो रेशम के पास बैठती, वो साइमा के पास बैठती, वो सीखती और वो जानती समझती, क्योंकि कोई 25-30 डायलॉग थे टोटल पूरी फिल्म में मिला के माहिरा के, वो 25-30 डायलॉग जो हैं वो बेशक उनके ऊपर थोड़ी सी ट्रेनिंग ली जा सकती थी। हाउएवर आई आल्सो फील कि इफ़ यू रिप्लेस, यहाँ पर एक बहुत बड़ा कास्टिंग प्रॉब्लम है, यू डोंट हैव द काइंड ऑफ जो है ना एक बड़ा एक शोकेस नहीं है आप जो है वो अंजुमन को उठा सकते हैं, आसिया को उठा सकते हैं, गौरी को उठा सकते हैं, किसी भी पाकिस्तान पूरी इंडस्ट्री लाहौर से कराची शिफ्ट हो चुकी है, जो लाहौर के अदाकार हैं। मिसाल के तौर पर फवाद खान जो है वो लाहौर में पले बड़े, लेकिन फवाद खान जो है वो कराची में पिछले कई साल से रह रहे हैं, उनको वो बर्गर बच्चे जो मेरा पॉइंट ये है कि अगर इतने शदीद मसाइल थे तो पंजाबी का कंटेंट उठाने की मजबूरी क्या थी, वो मैं उसको बताता हूँ। उसकी वजह यह कि अब अगर आप फॉर एग्जाम्पल एक एक्शन मूवी बना रहे हैं पाकिस्तान के अंदर और आप ये मतलब उसको जरा थोड़ा सा डायरेक्टर के फुट क्या कहते हैं उसको बूट्स में आए और उसको इस तरह से देखें कि मैं एक फिल्म बनाना चाह रहा हूँ उसको मैंने एक लेजेंड, पहली बात यह कि वो मौला जट नहीं है, वो लेजेंड ऑफ, इट इज़ नॉट अ प्रीक्वल, इट इज़ नॉट अ दोबारा से उसको फिल्म मौला जट। अभी बहुत सारे लोग जो हैं ये भी कह रहे हैं कि वो फर्स्ट हाफ जो था वो बहुत स्लो था। आई एम सो सॉरी टू कट यू बट आप मैंने ना बिलाल लाशरी का भी इंटरव्यू देखा, कसम से खुदा की कसम आना, अगर बिलाल लाशरी के पीछे आपकी वॉइस ओवर लगाए ना मैंने कन्विंस हो जाना। नहीं तो वॉइस ओवर, दिस इज व्हाट आई डू, वॉइस ओवर तो मैं इस वजह से नहीं आप समझे मेरी बात की, बिलाल लाशरी साहब आई नो व्हाट यू मीन, आपने जो मैं बिल्कुल आई नो, मैं इसीलिए मुझे थोड़ा सा लगता है कि मैं हां मिलाऊंगी, मैं थोड़ा सा जो है वो मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त वाला मामला है कि मैं जो है वो आगे बढ़ के उनकी डिफेंस कर रहा हूँ, वकीले सफाई। लेकिन मसला ये है कि मेरा जो व्यू है ना वो मैं उसकी कमर्शियल साइड को देखने की कोशिश कर रहा हूँ। व्हाइल यू आर कम्प्लीटली टोटली एग्री विद यू, जिस वक्त आप ये कहती हैं कि क्या उसके अंदर डायलॉग डिलीवरी उतनी अच्छी थी जितनी मुस्तफ़ा कुरैशी की और सुल्तान राही की थी। माइंड यू, सुल्तान राही के और मुस्तफ़ा कुरैशी के डायलॉग्स को अगर आप कंपैरिजन करें दी ओरिजिनल मौला जट तो यू विल रियलाइज के सुल्तान राही इज़ नॉट अ मैन ऑफ मेनी वर्ड्स। वो वहाँ पर उस सुल्तान राही की आंखों में एक वहशत नज़र आती है, वो ऐसा लगता है कि ये शख्स जो है ना वो एक पागल आदमी है और जिस वक्त ये उठाएगा ना अपना चूड़ियाँ चढ़ाएगा। आई विल रिक्वेस्ट यू कि जो हमारे जो जिन लोगों ने एक नाम बनाया डोंट गो फॉर देम और वी आर डिस्कसिंग दिस और फिर देखें अभी हम बात कर रहे हैं ना आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग अगेंस्ट हिम, आई एम नॉट सेइंग नहीं बढ़िया, वो अगेंस्ट नहीं कह रहे, अली कह रहे हैं कि जो कैरेक्टर था ना वो उसकी जो आर्क थी उसको एक देखें मौला जट जो है वो सीक्वल है, मौला जट से पहले है वैशी जट, नहीं है सीक्वल भी नहीं है, सुनिए ना जो ओरिजिनल मूवी है वो वैशी जट के बाद मौला जट बनी है, उसमें जो सुल्तान राही का कैरेक्टर है वो वैशी जट में एस्टेब्लिश हो चुका है कि ये एक पागल आदमी है ये, वो भी एक फेस्टिवल फाइटर है, वो भी उसी तरह से लड़ रहा है, लेकिन वो पहले मलकों से लड़ रहा है, इस फिल्म में नतों से लड़ रहा है। द ओनली डिफरेंस इज के इस फिल्म में उसकी कैरेक्टर आर्क जो है वो ऑलरेडी, उसका बैकग्राउंड ऑलरेडी एक एस्टेब्लिश था कि वो कौन आदमी है। यहाँ पर थोड़ा सा उसको फैंटेसाइज करने के लिए मेले का कल्चर दिखाने की बजाय, उसको अभी भी दिखाया उसको फेस्टिवल फाइटर ही है, लेकिन वो मेले की जगह उसकी जो चेहरा है वो मेले की, वो उसकी शक्ल जो है उस जगह की वो मेले जैसी नहीं लगती, वो कोलिजियम जैसी लगती है। बिल्कुल ऐसा ही है। पंजाब का कल्चर क्या ऐसा होता है, पब कहाँ होते हैं, मेरा ये ख्याल है कि उसमें पुलिस भी अगर आप देखें तो पुलिस भी वैसी नहीं है पंजाब के अंदर। ओरिजिनल मौला जट के अंदर इनफैक्ट नॉर्मल पुलिस वाले, नॉर्मल एसएचओ था जो इसने वो काली कमीज और खाकी पेंट जो है वो पहनी भी होती हैं, और वो उनको जो है वो, और वो पुलिस उसमें कहीं ज्यादा पुलिस का एक कैरेक्टर था, एक रिस्पॉन्सिव पुलिस थी, रिस्पॉन्सिबल। मैं ये चाहती हूं कि ये जो कल्चर है ना, प्लीज ये मुझे अच्छा लगा इस फिल्म में, पंजाब के कल्चर में ये एडिशन मुझे अच्छा लगा कि देसी पब्स है, और इतने प्यारे पब्स हैं कि कोई सिक्योरिटी का प्रॉब्लम ही नहीं है, लड़कियां शराबें बेच रही हैं। मैंने कहा मेरे को इस पंजाब जाना। इसमें सिर्फ एक मुझे जो प्रॉब्लम लगी है ना, वो ये लग रही है कि ये बागबानपुरा का जो ओरिजिनल मौला जट का सिचुएशन है, जहाँ का ये असली स्टोरी है, वहाँ पर पोस्ट 1947 एक मूवी बन रही हो जिसमें शराब इतनी आसानी से मिल रही हो, उसको लेकर गए हैं वो प्री 1947, बट देन देयर शुड हैव बीन सम सेक्स एंड हिंदूज इन्वॉल्वड इन द स्टोरी। 21st सेंचुरी में आप दिखा रहे हैं मौले को कोई काम नहीं है बेचारा, वो एक छोटा सा पकड़ के गली गली, मतलब ये 21st सेंचुरी कहीं से लग नहीं रही मदिया। अच्छा, वी नीड टू हियर फ्रॉम फायदा। मगर अगर हम पुलिस को देखें, अली प्लीज आई रिक्वेस्ट, आई नीड टू हैव फाइजा स्पीक ऑन दिस। फाइजा प्लीज, बिकॉज़ हम शरीफ, हम मैं कहता हूं, हम आप मौला और नथ है ना, नूरी नथ बने हुए हैं दोनों, और हम जो है वो बेचारे शरीफ के बीच में। आप और मदिया जो है ना, आप लोगों ने किया है एका, और आप लोग जो है ना वो उसको जो है वो गंदा करना चाहते हैं मौला को, और मैं उसकी दिफा कर रहा हूँ, तो आप जो है वो मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे एक बात करने दें फाइनली, वो ये है कि जो उसमें कहीं से वो नहीं लग रहा कि वो पोस्ट 1947, इनफैक्ट वो पिछले 300 साल की कहीं से फिल्म नहीं लग रही। उसके अंदर जो बैकग्राउंड दिखा, जो पुलिस को दिखाया है, पुलिस स्टेशन दिखाया है, उधर जो जिस तरह की वर्दियां लोगों ने पहन रखी हैं, जिस तरह वहां पर खाना मिल रहा है, जिस तरह के बंदे जो उस थाने का, ही सपोज्ड टू बी द जेलर, जो उसको छोड़ने के लिए बाहर तक आता है और वो कहता है साहब, उसको साहब कहता है, और वो जो उसने कपड़े पहने हुए हैं, आपको ये पता चलेगा कि ये बेसिकली प्री 1947। जब प्रॉब्लम हेयर इज कि अगर आप प्री 1947 में जाते हैं तो ये फिर अगेन मैं रियायत शेरी लाइसेंस, पोएटिक लाइसेंस के, वो शायद उसको जो है ना ये ध्यान में नहीं रहा, और उसकी फैंटेसी में मुसलमान ही थे सारे के सारे, वो कोई सिख थे नहीं प्री 1947। फायदा, व्हाट डू यू हैव टू से? प्लीज जंप इन एंड ब्रिंग सम सैनिटी टू द शो। नहीं, मैं अली की बात को क्लैरिफाई करना चाह रही हूँ। असल में जो फिल्म की जो उन्होंने क्रिएटिव लिबर्टी ली है, उन्होंने ये बात नहीं बताई है कि किस ईरा में सेटअप हुई है। उसकी जो पूरी ट्रीटमेंट है फिल्म की, इट इज सच कि वो हमें ये बताना चाह रहे हैं कि दिस मूवी सेट इन मेडिवल टाइम्स, ओल्ड मेडिवल टाइम्स की कहानी है। इट्स अ लेजेंड, इट्स एन ओल्ड लेजेंड, कितने 100 साल पुरानी कहानी है ये, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, हर किसी भी दौर में जो सोशल सिस्टम है, जो एक सेटअप, सिविक और सोशल सेटअप है, वो मोर और लेस एक ही टेट को फॉलो करता है। तो पुलिस भी है, पब भी है, सब कुछ है, ये सब चल रहा है, राइट। तो मिडीवल टाइम्स को वो टच करें, दे आर नॉट ट्राइंग टू रेप्लिकेट पंजाब per se 100%. This is not the objective of the director or the creator. लेकिन फायदा, उन्होंने उसमें पंजाब को मेंशन किया ना, मेरा यही तो प्रॉब्लम है। मैं कहते हैं पंजाब च जी एंजॉयगा वो जो है हमारी हुमायमा, वो कहती है मुख्तलिफ मौकों पर कि पंजाब में इस तरह के मुख्तलिफ कैरेक्टर्स ने पंजाब का नाम यूज किया है। इवन दो पंजाब का लफ्ज इस्तेमाल किया गया, और ठीक है हम पंजाब की ही बात कर रहे हैं, लेकिन ये मिडीवल टाइम्स को टच कर रहा है। ये फिल्म की जो ट्रीटमेंट है, जो कॉस्ट्यूम्स हैं, जो कैरेक्टर्स आपने बनाए हैं, वो इतने पुराने हैं, इतने मिडीवल टाइम्स के हैं कि उन्होंने किसी स्पेसिफिक डेकेड को टच नहीं किया है। दे हैव लेट दिस ओपन टू योर इंटरप्रिटेशन। It could be any decade. It could be any decade happening, maybe 100 years ago, maybe 200 years ago, perhaps 300, 400, 500, 600 years जहां पे भी वो लेके जाना चाह रहे हैं इसको मिडीवल टाइम्स में, इट्स अ फिक्शनल स्टोरी, तो उसमें उसको क्रिएटिव लिबर्टी मिलनी चाहिए टीम को कि वो उसको कैसे प्रेजेंट करना चाहते हैं। आई हैड नो इश्यू विद कि भाई हमें ठेठ पक्का पंजाब मटका पकड़ के चलती हुई औरतें देखनी है, अगर वो नहीं दिखा रहे हैं तो दैट इज परफेक्टली फाइन, दिस इज देयर इंटरप्रिटेशन ऑफ पंजाब, लेट इट बी द वे दे वांट टू शो इट। आई डोंट हैव एनी इश्यू विद दैट। एज अ व्यूअर आई वाज एंजॉयिंग दैट एज अ रिफ्रेशिंग चेंज। आई लाइक द फैक्ट दैट द गर्ल्स वर वेयरिंग लाचास, but they were all dressed up in solid lachas, और आप अगर नोटिस करें तो किसी एक लड़की ने भी परांदा नहीं पहना, पूरे फिल्म में परांदा कहीं नहीं हमें नजर आया। तो वो बाल जो थे ना मेहंदियों में बने हुए, तो इट्स वेरी रॉ, इट्स वेरी ओल्ड, इट्स समथिंग वेरी प्री हिस्टोरिक। तो आई कुड टोटली अंडरस्टैंड के व्हाई इज इट यू नो मिडीवल टाइम्स का वो दिखा रहे हैं। और एक आई थिंक जो आपने शायद अली आपने मेंशन किया था अबाउट मायरा खान की कास्टिंग के बारे में आपने जो बात कही थी कि जब आप इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो व्हाई ब्रिंग समवन जो कि यू नो पंजाबी नहीं ठीक तरह से डिलीवर कर रहा। मुझे ये लगता है, एंड इट्स माय प्योर स्पेकुलेशन एज एन ऑडियंस, यू नो मुझे ये लगता है और एज अ क्रिटिक कि इट वाज अ वेरी एम्बिशियस प्रोजेक्ट जिसमें करोड़ों रुपया इन्वेस्ट हुआ है, ठीक है। माहिरा खान को या फवाद खान को कास्ट करने का एक मकसद ये भी हो सकता है टू दैट दे आर द क्राउड पुलर्स। अगर किसी वजह से फिल्म फ्लैट हो भी जाती है तो ओपनिंग वीकेंड पे कम से कम हम इतना पैसा बना लेते हैं कि लोग तजस्सुस के ही पीछे पहली दफा तो फवाद खान और माहिरा खान को देखने जाएंगे ना, तो जो दूसरी टाइम जिसको मूवी पसंद नहीं आएगी वो दूसरी दफा नहीं जाएगा। हमारे यहाँ तो कॉन्सेप्ट है ना, लोग 2-3 दफा फिल्म देखते हैं जब फिल्म हिट हो जाती है। तो आई थिंक यहाँ पे शायद मे बी ही वाज ट्राइंग टू एक्ट एज अ बिजनेसमैन, ही वांटेड टू सेव ऑल हिज बेस, कवर ऑल हिज बेसेस, परहैप्स दैट्स व्हाई। अदरवाइज आई फेल्ट के सबा कमर वो पैसा मैं यही कह रहा था, मैं एग्जैक्टली यही कह रहा था कि मैं कह ही ये शायद मैं गलत डिलीवर कर गया, मैं कह ही ये रहा था कि उसके लिए कास्टिंग का एक प्रॉब्लम उसके लिए भी है, वो इस हिसाब से कि वो किसको लेकर आया इसकी जगह। हाँ, माहिरा शुड हैव डन बेटर, लेकिन क्या उसके पास ये ऑप्शन था कि इतना बड़ा स्टार कोई उसके पास अवेलेबल है, तो वो पैसा अगर लेकर लगा रहा है तो फिर उसको ये कमाना भी है। I'm sorry अली, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, I'm very sorry, but एक ऑप्शन थी। I felt सबा कमर would have been a better choice। हाँ, ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है फायजा, बिकॉज़ सबा मेरे तो ज़हन में नहीं है, लेकिन आप एक्ट्रेस तो हुमायमा भी उससे बेहतर है। मैं ये कह रहा हूँ कि बाबर अली को आपने कितना यूटिलाइज कर लिया, या रेशम को आपने क्या यूटिलाइज किया। आपने देखा फिल्म के शुरू में क्या क्या था, एक कट उनका डालकर और वो खत्म हो गया। सो पंजाबी देखिए, मुझे कोई एतराज नहीं है, डिस्क्लेमर नहीं चला था, डिस्क्लेमर नहीं चला था कि फिल्म क्या है। तो जैसे आपने समझा फिल्म को देखने के बाद, आप देखें अली है और फायजा है, वकास इन्होंने फर्स्ट नहीं देखा है। सो मेरी बदकिस्मती है कि मैंने पहला सीको देखा हुआ था, ठीक, और मेरे ज़हन में अली ने देखा हुआ है, अली ने तो उसको देखा हुआ है, अली वही कह रहे हैं कि उन्होंने वो देखा हुआ, उसको डिस्कस भी किया उन्होंने। और मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि अब 21st सेंचुरी में हम डिजिटल वर्ल्ड के साथ कम्पीट करने जाएंगे, बस अल्लाह मियां पंजाब के कल्चर की ना बड़ी वाह वाह होने वाली है। बट दैट वाज मतलब वो एलिमेंट। और उसके बाद जब मैं क्योंकि इंटरनेशनल देखती हूँ फिल्म्स, सो मुझे ये तवक्को नहीं थी कि आप पंजाबी फिल्म बनाने का टास्क लेंगे और उसके बाद आप पंजाबी नहीं सिखाएंगे, उसके बाद आप एक्सक्यूजेस के लिए पूरी दुनिया को छोड़ देंगे। विद ड्यू रिस्पेक्ट फाइजा एंड अली, हम देखें ये हमारा प्रोजेक्ट नहीं है, बट अगेन वी आर आर्ग्यूइंग ऑन इट। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अब मैं अली की भी बहुत रिस्पेक्ट करती, मैं फाइजा की, मैं वकास की, हम सब एक दूसरे के व्यूज की रिस्पेक्ट करते हैं, इसमें कोई हार्श नहीं। द पॉइंट इज इतना एफर्ट हुआ यार, इसमें क्या बुराई थी कि आप परफेक्शन की बात करते करते इतना बड़ा एलिमेंट आप माइनस कर गए। और उससे भी ज्यादा अफसोस वाली बात यह है कि लोग इसको काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे पास और वर्ड्स नहीं है, फिल्म बहुत अच्छी थी। नहीं देखिए, मुझे जो है ना, मेरा जो इसमें हम कर ही नहीं सकते थे, हमारे तो अप्पड़ में भी नहीं है, कभी कोई सोच भी नहीं सकता ऐसा एफर्ट करने का। एक्सीलेंट एफर्ट कभी कोई नहीं कर पाएगा दोबारा ऐसा। नहीं, उसमें मदिहा देखो, मेरा जो पॉइंट है ना, मैंने भी ये चीज रेज की थी, बिकॉज आई थॉट कि ये जो है ना, एक बर्गर और हमारा जो गंडासा कल्चर का जो है टॉर्च बेयर नासिर अदीब साहब, उनके दरमियान एक लड़ाई थी। यानी राइटर्स में अगर आप नोटिस करें तो बिलाल लशारी और नासिर अदीब का नाम था। अगर इसमें सिर्फ नासिर अदीब का नाम होता तो इसकी ट्रीटमेंट और होती, अगर इसमें सिर्फ बिलाल लशारी का नाम होता तो भी ट्रीटमेंट और होती। मुझे ये एक कंफ्यूजन लगी, एक मुझे लगा कि स्क्रिप्ट जो था, स्क्रीन प्ले जो था, वो इस तरह था जिस तरह एक बर्गर और एक ठेठ पंजाबी के दरमियान। कि बिलाल लाशारी से मैं ये तवक्को कर बैठी थी कि वो उन्होंने इतना टाइम लिया ना, गिन के फवाद के 10 डायलॉग हैं और मायरा खान के कोई 20 होंगे। अब एक डायरेक्टर इतना एफर्ट करके वो 20 डायलॉग ना सिखा पाया। आप डांस करने लगता है तो एक आता है ना क्या उसे एक बोलते हैं जो असाइन डेजिग्नेशन है जो डांस करता है, हाँ कोरियोग्राफी हायर करते हैं ना कि भाई नाच नहीं आता नाचना सिखाओ। अब डायरेक्टर का काम यही होता है कि वो अगर आपको दिख रहा है कि यू डोंट हैव एनी ऑप्शन लेफ्ट इन द एंटायर वर्ल्ड, मायरा ही रह गई है मेरे पास ऑप्शन, मायरा को कॉप देख मेरी बहन मेरी इज्जत का सवाल है, 20 डायलॉग ठेठ बोल ले, रट्टा लगा ले। हम सारी जिंदगी यही तो करते हैं, हमारे एकेडमिक में भी आज तक यही है, कोई नहीं कहेगा कि रट्टा सिस्टम हमें पता ही नहीं है, रट्टा ही लगवा ले, थोड़ी प्रैक्टिस ही करा ले। आई गॉट दैट ऑरा ब्यूटी, ये चीजें सेल होती हैं। फवाद खान को अगर मैं लेके आई थे, फवाद खान का खुद का इंटरव्यू है ये, मैं कोट करना चाहूंगी। फवाद खान से किसी ने पूछा कि जी अब आप जाते हैं क्या ट्रीटमेंट होता है आपका लोगों को, यू नो व्हाट ही सेड, मैं आम लोगों की तरह होता, कोई मुझे नोटिस नहीं करता। क्यों कोई नोटिस नहीं करता? क्योंकि अब आम लोग आपसे ज्यादा है ना, तो कोई कैसे करेगा। या तो फिर बिलाल लाशारी साहब ने बड़ी समझदारी से दो बड़े आर्टिस्ट की कलई खोली है कि वो कामयाब अदाकार नहीं है। नहीं, लेकिन मदिहा मुझे तो इसमें फवाद का भी ही couldn't gel into the character। ये तो देखिए ना, फवाद is so dashing। यही मेरी लास्ट लाइन यही है ना कि आपने समझदारी से दो बड़े आर्टिस्ट की कलई खोल दी कि वो अदाकार नहीं है बड़े। कितने बरसों बाद फिल्म आ रही थी, अदाकार ने तो अपनी अदाकारी से जमना है ना, ब्यूटी शूटी हो गई। अब आप ये देखे ना कि हुमैमा और हमजा, देखिए अब फिर वही बात आ जाती है। मैं कहीं पर डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, मैंने कहा है माहिरा शुड हैव डन बेटर, माहिरा शुड हैव गॉन टू साइमा, माहिरा शुड हैव गॉन टू रेशम। मैं रिपीट कर रहा हूँ ये अल्फाज कि उसको ठीक करना चाहिए था। कोई ये नहीं कह रहा, डायरेक्टर को ठीक करवाना चाहिए था, कोई ये नहीं कह रहा कि ये फ्लॉ नहीं है। मैं 100% अग्री कर रहा हूँ कि ये गलतियाँ हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी गलतियाँ हैं जो कि मिसाल के तौर पर कुछ जगहों पर आपको लगेगा कि जैसे हुमैमा भी जो है वो एकदम से उर्दू में आ गई हैं, या उनका कोई जो एक डिलीवर करते हुए, हालांकि वो वैसे सही पंजाबी बोल रही है लेकिन एक जगह पर उसने उर्दू का जो है ना वो आएगा जाएगा जज्बा जुनून का जो जज्बा से विकास वो सिटिंग राइट नेक्स्ट टू मी, तो मैं ये कह रहा था भाई जज्बा क्यों बार बार, इतना जज्बा नहीं होता पंजाबी जबान में, जितना जज्बा तुमने डाल दिया वो उसके अल्फाज से उसकी बातों से आएगा जज्बा नजर, वो जज्बा बार बार कहना जरूरी नहीं है। सो दे यूज्ड इट फॉर अबाउट 13-14 टाइम्स। तो बात मैं ये कहीं नहीं कह रहा कि ये फिल्म जो है वो फ्लॉलेस है ये, लेकिन जब हम कहते हैं कि जी इसके अंदर हॉबिट नजर आ रहा है, इसके अंदर जो है वो ग्लैडिएटर नजर आ रहा है, तो इसके अंदर बैटमैन भी नजर आ रहा है क्योंकि वो एक ईवल और गुड की, और वो डार्क नाइट है, वो लोगों के लिए उठ खड़ा हुआ है, वो गौतम को बचाने के लिए। दीज आर दीज, बट हाउ, वेयर डू यू ब्रिंग योर कल्चरल रेफरेंसेस फ्रॉम? हम कहाँ से वो अपनी, हम फिल्म देखते हैं, मैं बहुत दफा मेरा दिल करता है, मिसाल के तौर पर मैं बहुत दफा दिल करता है कि ना जो एक 360 शूट होता है ना, वो मैं किसी हीरो के लिए करूं, जैसे वो निकोलस केज का था, या कभी बैक से, जिस तरह बैटमैन के अंदर जब बेन आ रहा होता है तो वो बैक से उसको एक दफा वो क्रिस्टोफर नोलन का एक बड़ा खूबसूरत उसका एक जो है ना वो शॉट वो लेता है। मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं भी फिल्म बनाऊंगा ना तो मैं ये शॉट्स को लूंगा, लेकिन मैं बात ये कि मैंने सोचा हुआ है, अब मैं बना मौला जट ही रहा हूं, तो मैं कहीं अब आप ये कहेंगे कि क्रिस्टोफर नोलन करता है ऐसे, तो भाई मैं भी तो, मुझे भी तो पसंद आ गया ना वो। मैं बिलाल लाशारी को एक परफेक्शनिस्ट के तौर पर देख नहीं रहा, मैं उसको एक रूकी के तौर पर ही देख रहा हूँ, हु मेड अ वेरी बैड मूवी बिफोर दिस वार, जिसके अंदर कुछ नहीं था सिवाय बहुत अच्छी जो है ना वो क्या कहते हैं मशीन गन्स के। उसके बाद उसने एक और प्रोजेक्ट लिया। आई थिंक कि इसके अंदर जो एफर्ट या जिन चीज़ों के ऊपर हमारा एतराज़ है, वो एतराज़ छोड़े बगैर हम इसको 6.5 to 7 out of 10 दे सकते हैं एज एन अटेम्प्ट। और इसकी जो कमर्शियल वैल्यू है, इसकी 5 से बताओ, आउट ऑफ 5 स्टार्स क्या रेटिंग दोगे आप? आई थिंक 3.5। राइट। अच्छा फायजा, यू देखें फायजा, मैं आपको बताऊं, मैं फिर वही आपको बात बताने जा रहा हूँ, मैं होस्ट हूँ, बट ये मुझे भी नहीं बोलने देते। तो मदीहा और अली जो है ना, ये आप ये ना समझिएगा कि आप अकेली नहीं बोल रही, ये मुझे भी नहीं बोलने देते। तो प्लीज गो अहेड, यू हैड अ पॉइंट, यू वांटेड टू से समथिंग। पता नहीं जी अब याद रहे बात, क्योंकि मुझे 2 मिनट के लिए याद आती है फिर मेरे जहन से निकल जाती है। तो नहीं, मैं ये कहूँगी कि आई थिंक लैंग्वेज के एतबार से जो बात की गई है मैं आप सबसे एग्री करती हूँ कि हाँ ठीक है, वहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स कुछ एक्टर्स वो लैंग्वेज को ठीक तरह से डिलीवर नहीं कर सके पंजाबी को। एंड सरप्राइजिंगली जब आपने इतना पैसा इन्वेस्ट किया है तो उनकी डायलॉग डिलीवरी पे भी थोड़ा सा इन्वेस्ट कर लेते हैं। बट मुझे ये बताएं, बिकॉज़ आप थिएटर का बैकग्राउंड है, मुझे आप एक्टिंग का बताएं, व्हाट डू यू थिंक? गोहर की एक्टिंग बड़ी अप्रिशिएट की गई, हमजा की एक्टिंग मुझे तो बहुत कमाल लगी, हुमैमा के सीक्वेंसेस मेरे ख्याल से बहुत जबरदस्त थे। सो प्लीज टॉक अबाउट द कैरेक्टर्स, जो एक्टिंग का पॉइंट ऑफ व्यू था वो कैसा लगा आपको, लेवल कैसा लगा उनका? मुझे अगर हम सब एक्टर्स की बात करते हैं, आई थिंक गौहर वाज फिनोमिनल। वो जो अपने मुंह को हल्का सा थोड़ा थोड़ा ट्विच करता है फिल्म के अंदर, दैट वाज सो गुड। एक मेनासिंगली इतना ईवल कैरेक्टर है, लड़कियों को पकड़ के अपने घर में एज अ सेक्स स्लेव रखा हुआ है, तो वो बहुत ईवल था, वो बहुत डिस्गस्टिंग कैरेक्टर था, एंड ही डिलीवर्ड इट टू द टी। मुझे गौहर की एक्टिंग बहुत पसंद आई। मुझे फारिस शफी की एक्टिंग, जो मुदा का कैरेक्टर प्ले कर रहे थे, मुझे उनकी भी पंजाबी बिल्कुल ठीक ठाक लगी, कुछ गलत नहीं लगा मुझे। आई थिंक ही वाज बल्कि हालांकि उनकी रेंज काफ़ी ज़्यादा थी, वो इमोशनल भी हो रहे हैं, वो हंस भी रहे हैं, हर तरह की रेंज भी दे रहे हैं, तो वो ही डिलीवर्ड फुल पॉइंट ऑन दैट। एंड हुमैमा मलिक वाज ट्रीट टू वॉच। और मैं यहाँ पे बहुत से लोगों से अग्री करती हूँ, मैं ख्याल शायद आप लोग भी इस बात से एग्री करेंगे दैट द मेन लीड ऑफ द फिल्म इज नूरी नथ डारो एज वेल एज मौला जट, नॉट मुखो। Mahira Khan does not look like a lead in the film. It was Daro all the way. That girl commanded the screen with every actor. जब हुमैमा मलिक आती थी मेरा इंटरेस्ट और बढ़ जाता था कि अब ये क्या करने वाली है। Especially that seduction scene with Fawad Khan was spot on. I was like, oh my god, this is so good. और फिर वो जब कहता है कि हरामना होएगा, तो उस वक्त तो पूरा थिएटर जिसे कहते हैं तालियों की धूल में, यानी कि people responded to that because it was very spontaneous. So I think Humaima Malick did good with a little bit of slippage. She was not that वो वहाँ पे बस उनसे हल्का सा स्लिप हुआ था पंजाबी में। फवाद खान के साथ मसला ये हुआ है, मुझे ये लगता है कि फवाद खान का जो कैरेक्टर है, मौला जट का जो कैरेक्टर है, उसको ठीक तरह से इतना डिफाइन नहीं किया गया, क्योंकि उसकी जो ट्रांजिशन है वो बहुत रश्ड है। Here he is a very mentally traumatized man और बहुत ज़्यादा disturbed है, quiet है, and suddenly when he knows about his past, suddenly वो now he's cracking jokes, now he's getting very close to the girl who's running after him, and जब वो emotional breakdown होता है उसका after he loses his brother, sorry spoiler alert, तो ये सारी चीज़ें बहुत rush थीं, तो the character was not making sense to me somehow कि इतना jumpy कैसे हो रहा है ये, ठीक है। And Fawad Khan failed miserably with the chemistry with Mahira Khan, visibly very awkward. That should not have happened. You're the star of the film. You're the one. आपके नाम पे फिल्म बन रही है. Why are you being so resistant? You could sense it कि the girl is coming forward and he is so awkward. वो कैमरे ने कैप्चर कर लिया somehow. वो नजर आ रहा है. तो वो I don't know what was going on at that time. Why couldn't they fix the chemistry? वो था ना सुल्तान राही तो देखता ही नहीं था हीरोइन की तरफ, पता नहीं आप सही कह रहे हैं, यू राइट, बट मुझे लग रहा था कि शायद कोई केमिस्ट्री नजर आएगी, लेकिन बड़ी मुश्किल से मैंने आधे पौने में छोड़ के बस खुद ही से अपना गुजारा कर लिया। मैं कहा चलो इसी से गुजारा कर। सुल्तान राही साहब तो कहते हैं एक ड्रामा, एक स्टेज ड्रामा था, उसके अंदर वो कहते हैं सुल्तान राही लगता है जिसमें कि कुछ गवाच गया ना, वो जमीन पे और लबड़ लिया, तो हीरोइन उठे नचन रही है, पागल हो रही है, वो नीचे देख रहे थे। And लेकिन the surprise package of the film was Abbasi. I did not expect this at all. मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी हमजा अब्बासी से, क्योंकि हमजा अब्बासी एक सबैटिकल ले चुके हैं फिल्म इंडस्ट्री से, ड्रामे वो नहीं कर रहे, फिल्में वो नहीं कर रहे, लेकिन ये फिल्म लेकिन वकास इसके साथ एक बड़ा मजेदार पॉइंट ये आ गया है कि अब जैसे हाईजैक किया है ना, देखिए हर प्रोजेक्ट की बात नहीं। आई वाज अबाउट टू मदीहा, प्लीज लेट मी फिनिश, मैं वाज अबाउट टू फिनिश माय थॉट प्रोसेस, वरना मैं भूल जाऊंगी, आई एम सो सॉरी। आपने स्टार रेटिंग भी देनी है, आपने रेटिंग भी देनी है। मैं भी देने वाली, लेकिन मैं इससे ये बात करने वाली थी कि सिंस ही वाज टेकिंग अ सबैटिकल, तो आई वाजंट श्योर बंदा फिल्म इंडस्ट्री छोड़ रहा है, उसका कितना इंटरेस्ट है, कितना वो करना चाहता है, क्या क्या डिलीवर करेगा, यू नो। और पहले भी उन्होंने इस तरह का कोई डार्क कैरेक्टर किया नहीं है, बड़े सेफ ग्राउंड्स पे हमेशा काम किया है। He was the surprise. He was the star. He blew us away, literally, with every scene. तो जब rating की बात आती है, मैं इसको 4.95 out of 5 just for that. Oh my God. I love Maula Jatt. I loved Legend of Maula Jatt. That's my word. Sorry, guys. Brilliant, फायदा you came up with the, आपने सरप्राइज कर दिया हमें. सो मदीहा, एक तो ये है कि आप हमें कंक्लूडिंग रिमार्क्स दें और ये भी बताएं कि रेटिंग क्या आप देंगी मूवी को. कंक्लूड में यही मुझे ऐसा लगता है, देखिए हर एक बड़े प्रोजेक्ट के बाद ना बहुत सारे लोगों के वेज बनते हैं और बहुत सारे लोगों के वेज बंद हो जाते हैं. इस फिल्म से मुझे बहुत ज्यादा, मेरी उम्मीदें बहुत ज्यादा इस चीज को लेकर आए कि अब बहुत सारे लोगों के वेज खुल जाएंगे. कितने आर्टिस्ट लाइन, देखिए आप माहिरा खान और फवाद खान, हुमैमा का भी मैं बोलूंगी कि रिवाइवल और कमबैक था, तो वो बड़े आर्टिस्ट हैं, उनको और प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, बट इतनी जो कास्ट पीछे आई ना उन सबके भी ब्राइट चांसेस है. और मुझे पता नहीं क्यों मेरा दिल कहता है कि हमजा अली अब्बासी को ना अब अपनी इस थॉट को भी रिव्यू देना चाहिए कि उनको कम बैक करना चाहिए, इंडस्ट्री को उनकी जरूरत है. और फिल्म की 5 में से आई विल गो विद 2 मार्क्स, क्योंकि वो सारे उसकी प्रोडक्शन और उस एलिमेंट से, क्योंकि एक्टिंग से एक फिल्म बनती है और मेरा ये था ये एक मास्टरपीस बनेगी जिसे अवाम बार 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 जाके 15 साल बाद मेरे बच्चे भी अगर देखें तो वो ये बोले कि एक मास्टरपीस पाकिस्तान में बना था, बट 15 साल बाद मेरे बच्चे डेफिनेटली बहुत हाई चीजें देखेंगे तो ये वो चीज नहीं होगी. सो 2 नंबर पास. तो मैंने अपने रिव्यू में इसको 2.5 स्टार्स दिए थे, मदीहा ने 2 स्टार्स दिए हैं. तो जिसने भी मुझे क्रिटिसाइज करना है, आई विल शेयर मदीहास ट्विटर अकाउंट, आप प्लीज वहां जाएं और पहले मदीहा को बात करें फिर मेरी तरफ आइएगा, क्योंकि मुझे ये ज्यादती है. मैंने 2.5 दिए हैं, मदीहा ने 2 दिए हैं, तो आप मुझे अगर कुछ कहेंगे उससे पहले आप मदीहा के साथ डील करें. देखिए खवातीन कंजूस होती है, मैं जानती थी आपने 2.5 दिए, इसलिए मैंने उसमें से भी थोड़ा सा ले लिया. मुझे वो याद है कि वो एक दफा वरुण ग्रोवर जो है ना, वो इंडियन जो कॉमेडियन है, तो वो कहता है कि जब तक कुणाल कामरा जिंदा है मुझे कोई मारने नहीं आएगा, तो क्योंकि कुणाल कामरा को तो ये बिल्कुल कोई वाली बात है कि मदीहा को पहले जाके ट्विटर पे गालियां दें फिर उसके बाद मेरे पास भाई डील विद मदीहा फर्स्ट ना, फिर मेरे साथ आगे बात करें. भाई मैंने तो हाफ वो ज्यादा दिया, बट आई थैंक यू ऑल, इट वाज सच अ रिवेटिंग कन्वर्सेशन, आई ट्रूली एंजॉयड इट. आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला. हम पाकिस्तान और यूएस के टाइम जोन के साथ स्ट्रगल कर रहे थे, आपके बहुत सुबह है, हमारे रात है, तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, आई अप्रिशिएट दैट. फाइजा, मदीहा, अली, थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन. मैं आपको एंड पे ये मैसेज देना चाहूंगा कि देखें, आप ये आर्ट फॉर्म है, मूवीज हैं, उसको रिव्यू किया जाता है, उसके बारे में बात की जाती है, हेल्दी डिस्कशन होती है. कोई ये नहीं कहता किसी को कि आप फिल्म ना देखने जाएं, आप फिल्म देखने चाहिए. हर कोई ये चाहता है कि हमारा जो सिनेमा इंडस्ट्री है वो फले फूले, तरक्की करे, क्योंकि हम भी उसमें एक स्टेक होल्डर हैं. अगर कहीं पर कोई चीज कमी है, कहीं पर कोई किसी चीज की वो ज्यादती हो रही है, तो हम उसको पॉइंट आउट करने के लिए हैं. हम ऑडियंस के लिए ही कुछ चीजें कर रहे होते हैं ताकि हम मेक श्योर करें कि जो कंटेंट है वो उन तक अच्छा पहुंच रहा हो. कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास अंदर की होती है तो वो भी हम शेयर करते हैं, तो मकसद ये होता है कि बेहतरी, वो यही मकसद है. सो विद दैट नोट, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन, और आप लोग अपने जो फीडबैक है, अपने जो रिव्यूज हैं, वो शेयर करें कमेंट सेक्शन में. आपका रिव्यू भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि यहाँ पर किसी इस सिटिंग में जिसका किसी का इम्पोर्टेंट है, तो आप वो भी हमारे साथ शेयर करें. आपको कैसी मूवी लगी वो भी हमें बताएं. आपके देखने का बहुत शुक्रिया, आपसे बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी. खुदा हाफिज.